एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। स्वागत तो करो हमारा। सुअर हमेशा ग्रुप में शिकार करते हैं। कैसा है प्रभु देवा और सलमान का रिश्ता? किस फिल्म के साथ वापसी होगी इस एक्टर डायरेक्टर जोड़ी की? वांटेड 2 को लेकर क्या कहा सलमान खान ने? हे गाइस, आप सभी का दिल से स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में और मैं हूं आपकी होस्ट प्रतीक्षा। जर्नलिस्ट के साथ सुपरस्टार सलमान खान अपनी ईद 2021 की रिलीज राधे योर मोस्ट वांटेड भाई फिल्म को लेकर रूबरू हुए थे, जिस दौरान उन्होंने कई बातों के खुलासे किए। एक्टर हाल ही में अंतिम और उसके तुरंत ही बाद कभी ईद कभी दिवाली फिल्म में नजर आएंगे, लेकिन जिस न्यूज ने सलमान के फैंस को खुश कर दिया वो था वांटेड 2 का सीक्वल। जी हाँ दोस्तों, सलमान से ये पूछा गया कि क्या राधे उनकी 2009 एक्शन फिल्म वांटेड का सीक्वल है, जिस बात पर जवाब के तौर पर सलमान ने कहा कि वांटेड एक यूनिक फिल्म थी और राधे से काफी अलग। हालांकि मैं इस कश्मकश को समझ सकता हूँ, लेकिन राधे और वांटेड को कंपेयर करना गलत है। वही अगर फैंस की मर्जी हुई तो हम वांटेड 2 का सीक्वल जरूर बनाएंगे, उन्हीं किरदारों और कहानी को आगे लेकर जाएंगे। बातचीत के दौरान जब सलमान से कोरियोग्राफर फिल्म निर्माता प्रभु देवा के साथ उनके कोलैब के बारे में पूछा गया और सवाल किया गया कि क्या वो एक कठिन टास्क मास्टर थे, तो सुपरस्टार ने मजाक में कहा, हाँ लेकिन अब वो समझ गए हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, इसीलिए अब वो सुनिश्चित करते हैं कि मैं वो करूँ जो मैं नहीं कर सकता। उसकी अपनी कॉमिक टाइमिंग है, जब वो प्रदर्शन करता है तो हम सभी हंस रहे होते हैं, फिर जब मैं इसे कर रहा होता हूँ तो वो एक और सर सही नहीं है सर ठीक है करके रीटेक लेते रहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि वांटेड फिल्म को भी प्रभु देवा ने ही डायरेक्ट किया था और ये एक तेलुगु फिल्म पोकिरी का हिंदी रीमेक था जो आया और फैंस के दिलों पर छाया। फिल्म में सलमान के ऑपोजिट आयशा राकिया थी जो फिल्मों से काफी दूर चली गई है, जिस वजह से लगता है वांटेड 2 के लिए भी एक नई हीरोइन के बारे में बातें चल रही है। और जहां पहले भी हर दूसरी फिल्म में हमें साउथ और बॉलीवुड का संगम देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में हम तो बिल्कुल एक्सपेक्ट करेंगे कि सलमान के साथ हमें कोई साउथ एक्ट्रेस दिखाई दे सकती है। अब ये कौन होगी ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है कौन हो सकती है ये न्यू हीरोइन? प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जब बात उठी है प्रभु देवा की तो जान लीजिए कि जब कोरियोग्राफी की बात आती है तो प्रभु देवा काफी स्ट्रिक्ट है या नहीं, इस बारे में अधिक विस्तार से बताते हुए सलमान ने कहा, लेकिन मेरी अपनी शैली है जो मेरे फैंस को पसंद है, क्योंकि मेरे लिए कोई शैली नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगली फिल्म में वो अपने फैंस को फॉलो करने के लिए सबसे आसान हुक स्टेप देंगे। सलमान ने कहा, अगली फिल्म में मैं अपने फैंस को सबसे आसान हुक स्टेप देने जा रहा हूँ, बस खड़े हो जाओ और बैठो। हालांकि मैं इस फिल्म के लिए बहुत सारे डांस और रिहर्सल कर रहा हूँ। आहा, हम तो आपको ये बताना भूल ही गए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, कि प्रभु देवा और सलमान एक डांस पे इस फिल्म के लिए भी कोलैब करेंगे, जिसमें सलमान एक बच्ची के पिता के रूप में दिखेंगे जिसे डांस बहुत पसंद है, और अपने पिता और डांस गुरु यानी प्रभु देवा की मदद से वो बच्ची एक डांस कॉम्पिटिशन की कई लेवल को पार करेगी। फिल्म का टाइटल डांसिंग डैड रखा गया है, लेकिन अभी तक इसके रिलीज डेट पर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। दोस्तों एक और बात जो काफी इंटरेस्टिंग है, सलमान खान और प्रभु देवा दबंग 3 वांटेड और राधे के बाद चौथी बार एक साथ नजर आएंगे। वहीं प्रभु देवा की माने तो बॉलीवुड में अपने करियर को आगे बढ़ाने का क्रेडिट उन्होंने सलमान खान और बोनी कपूर को दिया है। निर्देशक ने पहली बार सलमान के साथ 2009 की फिल्म वांटेड में काम किया था। सलमान के साथ काम करने के बारे में प्रभु देवा ने कहा, उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने वांटेड के साथ सलमान के करियर को रिवाइव किया, बल्कि ये उसका उल्टा ही हुआ है। प्रभु देवा ने बताया, जब हमने वांटेड पर काम करना शुरू किया तो वो पहले से एक बड़े सुपरस्टार थे, मैं नहीं मानता कि वांटेड ने उनके करियर को रिवाइव किया। वास्तव में बोनी सर और सलमान सर ने बॉलीवुड में मेरे करियर को बढ़ावा दिया। सलमान सर के लिए मेरे मन में बहुत प्यार और सम्मान है, उनका अपना व्यक्तित्व और हमारी शैली जो भी हो, मैंने हमेशा उनसे प्यार किया है। अब तक हम एक दूसरे के काम और पैटर्न के बारे में जानते थे, इससे हमारा काम आसान होता था।
सेट पर उनके साथ बिताया हर एक पल मेरे लिए यादगार होता है। दोस्तों अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि वापस से इन दोनों की जोड़ी कब हमें स्क्रीन पर देखने को मिलती है। मुझे लगता है कि आज के लिए इतनी फिल्मी अपडेट काफी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही कुछ नई फिल्मों की मसालेदार अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को।